खजूर के सूखे हुए पत्ते हैं ये। अच्छा, तो जब सूखते हैं तो हम उनको कलेक्ट करते हैं, क्रश और कंप्रेस करके ये बोर्ड्स बना देते हैं। तो इस तरह से हमें एक भी पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम नेचुरल वेस्ट को रिसाइकिल कर रहे हैं। अच्छा, तो एक तरह से ये कार्बन नेगेटिव बोर्ड्स हो गए। ओके, अपने आप में बहुत बड़ा यूनिक फीचर है ये। तो ये मटेसिया एग्जीबिशन 2024 जो कि लगा है यशो भूमि द्वारका दिल्ली में, तो आज हम आपको लेके आ गए हैं एक बहुत ही खास स्टॉल पे जिसका नाम है डिजर्ट बोर्ड। और यहाँ पे आपको बहुत ही एक अलग तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपके फर्नीचर हो, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, इस तरीके के में बहुत काम आने वाला है। तो हमारे साथ में अभी यहाँ के ऑनर जुड़ रहे हैं, HS बेदी जी, नमस्कार सर। हेलो। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल के व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए, आपकी फर्म कहाँ लोकेटेड है, कब से है और क्या क्या प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं? थैंक यू। मेरा नाम HS बेदी जी। हम UAE बेस्ड कंपनी हैं, डेजर्ट बोर्ड के नाम से ये पाम स्टैंड बोर्ड्स लेके आए हैं इंडिया में जी। जिसे आप देख ही पा रहे हैं, सभी एप्लीकेशंस के लिए, फ्लश डोर, प्लाई बोर्ड, MDF, HDF, HDHMR, सभी एप्लीकेशंस के लिए ये बोर्ड है। बिल्कुल, ये सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बोर्ड्स की कैटेगरी में ये बोर्ड आता है, जो कि हेल्थ फ्रेंडली बोर्ड भी हम बोलते हैं इसे, क्योंकि अच्छा। ये जीरो फॉर्मेल्डिहाइड बोर्ड है। जैसे कि बेसिक प्रोडक्ट की बात करें तो प्लाईवुड हो गया, HDHMR आजकल लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरीके से वाटरप्रूफ नहीं होता है, लोग कहते भी हैं वाटरप्रूफ। सो वाटरप्रूफ अपने आप में एक मिथ है, बिल्कुल मिथ है। हम भी बोलते थे वाटरप्रूफ, प्लास्टिक के अलावा कोई भी पानी को नहीं झेल सकता। सही बात है, ठीक है, बट यस, हम कहते हैं ट्रीटमेंट के बाद, आफ्टर फिनिशिंग, हमारा बोर्ड वाटरप्रूफ कहा जा सकता है और एक पूरा नेचुरल लुक देता है, थोड़ा नेचुरल लुक है सर। अब जैसे ये है, ये हमारा सीधा बोर्ड के ऊपर PU पॉलिश कर दिया हुआ है। बिल्कुल। तो जैसे हमने बोला कि प्लाई बोर्ड या उनकी एप्लीकेशंस हैं, तो आप चाहे पेंट, लैमिनेट, विनियर कुछ भी करिए, बट एक एडवांटेज सिचुएशन है कि आप डायरेक्टली भी पॉलिश कर सकते हैं। डायरेक्टली भी पॉलिश करके इस तरीके के बहुत ही खूबसूरत फिनिश निकल के आती है। और अगर डायरेक्ट पॉलिश करते हैं तो आप ये समझ लीजिए सेकंड स्किन, चाहे विनियर हो, लैमिनेट हो, उसकी कॉस्ट भी सेव हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बोर्ड्स बनाने के लिए हम एक भी पेड़ नहीं काट रहे हैं। अच्छा। जो अपने आप में एक आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम सबको, हम बोलते हैं सेव अर्थ, सेव मदर अर्थ, तो उसके लिए पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके रॉ मटेरियल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? खजूर के सूखे हुए पत्ते हैं ये। अच्छा, तो जब सूखते हैं तो हम उनको कलेक्ट करते हैं, क्रश और कंप्रेस करके ये बोर्ड्स बना देते हैं। तो इस तरह से हमें एक भी पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम नेचुरल वेस्ट को रिसाइकिल कर रहे हैं। अच्छा, तो एक तरह से ये कार्बन नेगेटिव बोर्ड्स हो गए। ओके, तो अपने आप में बहुत बड़ा यूनिक फीचर है ये। तो ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जैसे कि फर्नीचर या इंटीरियर? किसी भी, मैंने बोला एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी जो आप प्लाई में, वुड में, फ्लश डोर्स में सोचते हैं। जैसे आप देखिए, कैबिनेट्स बना ली, फर्नीचर बना लिया, डोर्स बना लिए, काउंटर्स बन गई, वॉल पैनलिंग हो गई, CNC कार्विंग्स हो गई, तो जो कुछ भी आप प्लाई और MDF और उस कैटेगरी में एप्लीकेशन सोच सकते हैं, ये सब उसमें बन सकता है। जैसे कि देख सकते हैं कि टेबल कुर्सी टाइप जी मतलब जी, आप बनवा सकते हैं। ये काफी हैवी हैं, बहुत हैवी, मतलब डेंसिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसी वजह से इसकी स्क्रू विड्रॉल बहुत अच्छी है जी, जो है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री में। अच्छा, इसमें साइजेस और थिकनेस क्या क्या अवेलेबल? सर, 9mm से लेकर 45mm तक की थिकनेस अवेलेबल है। साइजेस 8x4 स्टैंडर्ड शीट साइज है। अगर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज होंगी तो हम 10x4 तक भी दे सकते हैं। अच्छा, थोड़े से एप्लीकेशंस और दिखा दीजिए। जी सर, ये देख ही रहे हैं आप, वॉल पैनलिंग हो गई जी, काउंटर्स हो गया, कैबिनेट्स, कबर्ड्स हो गई। अब आप लेमिनेट लगाइए या रॉ रख लीजिए, अप टू यू, योर डिज़ाइन। ये इसकी रॉ लुक हो गई, CNC कार्विंग्स हो गई, CNC वगैरह भी इसमें हो सकता है, CNC कार्विंग्स है, जाली कट है, आजकल पार्टीशन में इस तरीके की आप जाली नेचुरल कलर भी दे सकते हैं और पॉलिश भी करवा सकते हैं। बिल्कुल सर, वो जैसे उधर डोर में आपने PU देखा था, ये सिंपल लेकर है, ये 3D वेव पैटर्न्स हो गए, ये जाली हो गई, ये जैसे फर्नीचर काउंटर्स, तो इस तरीके के कुछ है। आप ये देखिए कि अगर हम सीधा भी इस पे पेंट करते हैं तो एक टेक्सचर की फिनिश आती है, जो कि अपने आप में बिल्कुल बहुत सस्ते दाम पर अच्छा टेक्सचर पेंट का फील मिल जाता है हमें। आप इस पे लैमिनेट, जैसे हम बात करते हैं कि एक सेकेंड, इसमें वो हाँ, ये जैसे लैमिनेट पेस्ट कर लीजिए, या फिर इसमें विनियर वाला था, हाँ ये विनियर पेस्ट कर लीजिए, कुछ भी कर ले सकते हैं। अच्छा, मतलब बेस के साथ साथ इसके ऊपर, मतलब कि डिज़ाइनिंग के लिए आप लैमिनेट हो कुछ भी, मतलब वो जैसे हमने बोला प्लाई की एप्लीकेशन है, आप चाहें तो आप कुछ भी पेस्ट कर लीजिए जी, या फिर आप रॉ डायरेक्ट पॉलिश कर लीजिए, वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है, तो ये सारे मतलब कि थिकनेस भी आप देख सकते हैं। जी, ये 9mm में जो लोएस्ट थिकनेस है,
ये 45 mm में जो मैक्सिमम थिकनेस है। तो ये एक प्लाई बोर्ड या उस तरीके का अल्टरनेटिव कह सकते हैं कि मतलब सर इको फ्रेंडली एंड हेल्थ फ्रेंडली अल्टरनेटिव कह सकते हैं। बिल्कुल, तो एंड पॉकेट फ्रेंडली आल्सो। ओके, तो जैसे कि ये प्रोडक्ट तो मतलब पूरा पैन इंडिया में डिलीवरी अवेलेबल है सर? अभी धीरे धीरे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, कुछ टाइम में हम पैन इंडिया सप्लाईज शुरू कर देंगे। वैसे कि हमें देखने वाले ज़्यादातर वुड इंडस्ट्री से ही हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादातर देखते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से ऑप्शन है कि बिल्कुल मतलब अपने कस्टमर को आर्किटेक्ट इंटीरियर को एक नया प्रोडक्ट दे सकते हैं। पेड़ बचाओ अभियान में जुड़ना है तो शायद इसी तरह की किसी चीज़ों की तरफ जाना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा चेंजेस के लिए थोड़ा सा तैयार भी रहना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये आप देख सकते हैं कार्ड है और एड्रेस वगैरह इसमें सब कुछ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी, स्क्रीन पे भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंपनी को। पूरे ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, तो जल्दी से जुड़िए इस कंपनी के साथ और एक नया प्रोडक्ट, नई रेंज अपने क्लाइंट को, आर्किटेक्ट इंटीरियर को प्रोवाइड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।